Question number 3.2. A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? Question में यह कहा गया है, यदि एक battery की EMF 10 volt है, उसकी internal resistance 3 ohm है, यदि बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो सर्किट के अंदर 0.5 एम्पीयर करंट फ्लो करता है. हमें क्वेश्चन में रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बतानी है और दूसरा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी बतानी है. आइए हम सॉल्यूशन को देखें. जैसा कि हमें करंट और ईएमएफ में रिलेशन पता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. इसके अंदर आई करंट, ई ईएमएफ, कैपिटल आर रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टर एंड स्मॉल आर यह रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल होती है, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं. हमारे पास कैपिटल ई की वैल्यू गिवन है, स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है. हमें कैपिटल आर को फाइंड करना है. जैसा ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई. ई की वैल्यू को पुट करेंगे, आई की वैल्यू को पुट करेंगे और स्मॉल आर की वैल्यू को पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास यह आ जाएगा 10 बाय 0.5 20. तो R आ जाएगा 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17 ओम. यह अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर है. अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं. सेकंड पार्ट में हमें टर्मिनल वोल्टेज बतानी है, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है. टर्मिनल वोल्टेज होती है बैटरी के बाहर कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है. तो ओम्स लॉ से हम देखते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है. आई हमें गिवन था 0.5 एम्पियर. हमने अभी अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाली है 17 ओम. दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.5 वोल्ट. यही अपना आंसर होगा. थैंक यू वेरी मच.